अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आज जो है वो कल मैंने ऑफ ले ली थी। आई वाज वर्किंग ऑन माय स्किन केयर वीडियो, तो उसका काम बहुत लेंथी होता है, तो मैं उस पर लगी हुई थी। तो देन आई वॉज लाइक आई शुड टेक टेक एन ऑफ। अगर आप लोगों ने मेरा स्किन केयर वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सीरियसली इट्स लाइक यू नो फ्यूल कि जब मैं देखती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने कुछ दिन पहले जो है वो कुछ दिन पहले क्या लाइक हम हमेशा मसाले वगैरह के लिए डब्बे लेते हैं, तो मेरे पास मसाले के बहुत से डब्बे हैं, डिफरेंट तरह के डब्बे हैं। एक है बिल्कुल दराजों की तरह जिससे मैं नॉर्मली यूज करती हूँ, बहुत अच्छे डब्बे हैं। उसको आप निकालते हैं, उसके अंदर चम्मच फिक्स होता है, आप निकाल के मसाला वसाला जो भी आपने यूज करना होता है आप उसको डाल के तो बंद करके तो वापस रख देते हो। तो दूसरा मेरे जो है डब्बे, वो आपको याद होगा मैंने मंगवाए थे, आई डोंट रिमेम्बर द साइट, लेकिन वो डब्बों वाली साइट थी कोई, तो उसमें मैंने एक ही तरह के डब्बे मंगवा लिए थे फॉर डिफरेंट मसाले, क्योंकि हमारे पास 6-7 मसाले तो होते नहीं है। इस वक्त शायद मेरे पास 30 तो मसाले होंगे किचन में, डिफरेंट मसाले, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे डब्बे मंगवाए थे। फिर उसके ऊपर मैंने जो इन मसालों का नाम वगैरह भी लिख लिया था। बट आई ऑलवेज वॉन्टेड मसालादानी। मसालादानी वो होती है जो कि मोस्टली पाकिस्तान में इतनी कॉमन शायद नहीं हो, वो मोस्टली मैंने जो ज्यादातर देखा है ना, मैंने इंडियंस को ही देखा वो यूज करते हुए। तो उसमें जो है वो दो तरह के डब्बे होते हैं, एक स्टील के होते हैं जो कि बहुत शायद मैं बचपन से देखती आ रही हूँ मूवीज और ये वो, और एक होते हैं जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है, दैट इज वुडन मसालेदानी स्क्वायर में होती है। तो वो जो है वो मैंने डिफरेंट साइट्स में देखे। एक साइट है आई थिंक वो ट्रक आर्ट वाली है, वहां पर मैंने मसालेदानी देखी मेटालिक, बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। लाइक वो 6 महीने पहले तक इट वॉज लाइक 2300 रुपीज, एंड अब वो 37 या 34 इस तरह 3000 से बल्कि 4500 की होगी। एंड उसमें डब्बे जो है ना वो इतने छोटे छोटे से, तो आई थॉट कि पहले मैंने सोचा वो मंगवा लेती हूँ, एंड देयर आई वाज लाइक ये इतना महंगा लाइक मसालेदानी, इट शुड नॉट बी दैट एक्सपेंसिव। एंड देन वुडन के पीछे मैं फिरती रही, वुडन जो है वो कहीं किसी साइट पे मुझे इस तरह मिली नहीं, मुझे सिर्फ एक जगह पे मिली एंड दैट वाज दराज। दराज पे जो है मैंने पोल भी किया था, आप लोगों से पूछा भी था, तो मोस्टली उन्होंने मुझे स्टील वाली बोला था, लेकिन स्टील वाली ना मुझे इतनी अपील नहीं कर रही थी। मैंने देखी भी बट वो मैंने जो सामने भी देखी ना तो बड़ी वो क्वालिटी वॉज नॉट गुड, तो मुझे तो चलो मैं दराज से मंगवा लेती हूँ। तो मेरा पैकेज जो है वो कल आ गया था। तो आई डोंट नो, आज मुझे लग रहा है मेरा गला खराब है। और ये जो है ये दराज के से मैंने मंगवाया है, इसका लिंक मैं नीचे आप लोगों को दे दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये वाला जो मसालेदानी है ये मुझे शिपिंग समेत कॉस्ट की लाइक अराउंड 1800 रुपीज। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, इट्स क्वाइट हैवी। तो ये जो है वो मसालेदानी है जो कि मैंने मंगवाई है। हाँ जी, पहले जब इसे खोलते हैं ना तो ये इस तरह से यहाँ पर एक शीशे का लेड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर इस तरह से इसके खाने, पहले तो सॉरी मेरा आज लग रहा है मुझे गला खराब हो रहा है। ये देखिए, ये इसके साथ में दो वुडन चम्मच दिए जो कि आई डोंट थिंक सो आई विल बी यूजिंग विद इट, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पेदे पेदे से चम्मच है। मैं अपना ही कोई जो नॉर्मल चम्मच होता है उसको एक को यूज कर लूंगी। ये बहुत प्यारे से वुडन से छोटे छोटे चम्मच है। दूसरा जो है ना इसके अंदर 9 जो है वो बॉक्सेस है। सी, अच्छा मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, बहुत सारे उनके रिव्यूज थे अबाउट इट, बट ये क्योंकि मैंने डिफरेंट पेज से मंगवाया है तो इसके बॉक्सेस बड़े नीटली बने हुए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे साफ सुथरे नीटली बने हुए हैं। दूसरा ये है कि इसे बंद करना, क्योंकि उनका जो रिव्यू था ना वो बंद करना खोलना वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्टली बंद हो रहा है। इसकी क्वालिटी इज वेरी गुड, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा प्यारा वुडन बना हुआ है एंड इट्स हैवी। और मैंने इसे क्यों लिया है, देखिए मैं इसके अंदर जो है ना इसे वो मसाले नहीं यूज करने वाली, ऑल दो इसको धोना बड़ा आसान है, बट इसको वुडन को इतना चीज को ना इतना ज्यादा धोया नहीं जाता, तो मैं इसमें मसाले नॉर्मल जो होते हैं पिसे हुए लाल मिर्चें वो मैं इसमें नहीं डालूंगी, मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैं इसमें कौन कौन से डालूंगी। सो ये मैंने नई परचेज की थी, मुझे तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, अभी मैं इसको किचन में ले जाके तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसे किस तरह से किया। बट ये आई विल बी यूजिंग फॉर माई
ब्यूटी चैनल, क्योंकि ब्यूटी चैनल में ना इस तरह के वुडन स्पून बड़े प्यारे लगते हैं. सो आई विल बी यूजिंग दीज वुडन स्पून. और ये पीछे नीचे से भी आप देख लें, बहुत अच्छी फिनिशिंग में. हाँ, इसके अंदर खड़े मसाले डालने से इसका फायदा ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर पिसे हुए मसाले डालेंगे ना तो वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ना इस तरह ये काफी अच्छी खासी जगह खाली है, तो अगर ये कहीं हिल जाता है ना तो पिसे हुए मसाले दूसरे के अंदर जो है ना वो मर्ज हो सकते हैं, गिर सकते हैं लाल मिर्च किसी और मसाले में, और यू नो फिर इट्स नॉट गुड. तो वो अलग अलग ही ठीक है. इसके अंदर जो मैं डालूंगी वो मैं डालूंगी अपने आज मेरा गला जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बस अल्लाह खैर ही करे. मैं एक गला खराब होता है तो खराब ही हो जाता है. तो आज मैं अभी इसको ले जाके यूज करती हूँ और आप लोग सुनाएं कैसे हैं आप लोग. और आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक जबरदस्त किस्म की चीज केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. ये बेक हुआ हुआ चीज केक है, न्यूयॉर्क स्टाइल का चीज केक है. आई रियली लव इट एंड मेरी फैमिली का ही फेवरेट है. तो आज मैं वो बनाऊंगी और इंशाल्लाह ताला आज मैं आप लोगों के साथ अपना येलो वाला जो सूट था जो आपको याद होगा मैंने ग्रेस स्टोर से मंगवाया था, वो डिज़ाइन शेयर करूंगी, पहन के भी दिखाऊंगी कि हाउ डज इट लुक, और उसकी पूरी डिटेल बताऊंगी इंशाल्लाह. तो वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है कि इसमें वो ड्रेस की डिटेल क्या है और उसकी प्राइस क्या थी, सब कुछ एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल. हाँ जी, तो इसके अंदर जो है वो मैंने खड़े मसाले डाल लिए, स्पेशली फॉर बिरयानी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं. तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ क्या क्या है. मैंने सौंफ डाला है, मैंने मेथी दाना डाला है, मैंने ये राई दाना डाला है, दालचीनी है, कलौंजी है, साबित काली मिर्चें हैं, इसके अलावा इसमें स्टार अनीस, बादियान के फूल, लौंग, और मैंने साबित धनिया डाल दिया. ठीक है, ये सारे साबित मसाले हैं. और इसको जो है बंद करने के बाद मेरे जो किचन काउंटर है मुझे था कि मैं उधर ही रखूँगी, तो वहाँ पर मैंने इसके लिए जगह बना ली थी. यहाँ पर कॉर्नर में आपको मेरा ऑयल स्टेशन नज़र आ रहा होगा, इसमें मेरे सारे घर के ऑयल्स जो हैं वो जितने भी हैं, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है वो सारा इधर ही पड़ा होता है. वो सारा मैंने उसके साथ जो है ना इस बॉक्स को रख दिया. सीरियसली ये बड़ी आसानी हो जाएगी जब मैं अभी कुकिंग करूँगी. सो खैर, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ केक की रेसिपी. चीज़ केक मैंने कल बनाया था और आज मैं आपको कट करके प्रॉपरली बताऊँगी उसकी रेसिपी, मैं आपके साथ क्लियर करा दूँ, सारी साइड पर लिख भी दूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. 120 ग्राम मैंने इसमें लिया है जो नॉर्मल वीट बिस्किट होते हैं. ये वीट बिस्किट जो है ना, आपको ब्रांड भी मैंने इसके दिखा दी, क्योंकि बाद में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपने बिस्किट का ब्रांड नहीं दिखाया. तो 120 ग्राम के मैंने वीट बिस्किट ले लिए, कोई भी क्रैकर्स आप ले लें वीट वाले, ठीक है. उसके बाद उसको अच्छी तरह से आपने पीसेस में मीन्स इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है, इसका पाउडर बना लिया. और इसके अंदर मैंने तकरीबन बटर डाला है 60 ग्राम मेल्टेड बटर, और ये भी मैं इसी में मशीन में ही कर लूँगी, क्योंकि मशीनों में जब आप कुछ काम करते हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है. तो ये इसके साथ ही ऑयल को ऑयल ये बटर को मिक्स कर देगा अच्छी तरह से, एक यकजान हो जाएगा सारा मिक्सचर. अच्छा जी, अब मैंने ले लिया है ये जो है ना बेकिंग करके डिश है, इसको स्प्रिंग फोम बोलते हैं इस पैन को, और ये नॉर्मली जो यूज़ होता है ये चीज़ केक के लिए यूज़ होता है. तो इसको मैंने तकरीबन 8 इंचज़ का है और इसके चारों तरफ इसको फॉयल से बंद किया. मैं आपको आगे बताऊँगी फॉयल लगाने का मकसद क्या है. अच्छा जी, मैंने इसमें फॉयल से इसको बंद कर दिया और ये जो बिस्किट का मिक्सचर था ना ये मैंने अब इसके ऊपर अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से जो है ना ये मिक्सचर इसको लगा के, तो इसको जो है ना ब्लाइंड बेकिंग करने के लिए, मतलब ये कि इसको थोड़ा सा मैं 10 मिनट का बेक कर लूँगी ओवन में, ताकि ये जो है ना ये 10 मिनट से मोर देन एनफ 180 डिग्री पे मैं इसको 10 मिनट के लिए बेक करके तो इसको कूल करके ठंडा करके तो मैं रख दूँगी. अच्छा जी, अब मैंने लिया है चीज़ और ये है 400 ग्राम क्रीम चीज़, ठीक है. 400 ग्राम क्रीम चीज़ को मैंने, ये जो मेरा बड़ा स्टैंड मिक्सर है मैं इसमें कर रही हूँ, आप चाहें तो विस्क से भी कर सकते हैं लेकिन इससे थोड़ी सी आसानी आपको हो जाती है. इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको मैं ब्लेंड करूँगी, मतलब ये जो मैंने अंडा फेंटने वाला है ये लगाया हुआ है, इसको मैं अच्छी तरह से जब सॉफ्ट कर लूँगी तब इसमें मैंने डालना है 120 ग्राम के बराबर चीनी. किसी भी चीनी मैंने ली हुई है, सही है, इससे इसका हो जाएगा कि एक दोनों एक यकजान हो जाएगी. अब चूंकि ये जो है वो चीनी डालने के बाद थोड़ा सा वो गर्दा उठता है चीनी का, वो मैंने इसलिए इसको कवर कर दिया था. अब जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब मैंने इसके अंदर डालना है क्रीम, ठीक है. ये नॉर्मल क्रीम है जो कि नेस्ले की मिलती है, किसी भी ब्रांड की आप ले लें. इसमें जाएंगे तकरीबन 350 ग्राम के बराबर क्रीम जाएगी.
पहले मैंने एक पूरा पैकेट डाला है, 200 ग्राम का पैकेट होता है, और उसके बाद मैं इसके अंदर एक और पैकेट जो है ना वो तकरीबन 150 ग्राम डालूंगी, थोड़ा सा हम नहीं यूज़ करेंगे। देखिए मेजरमेंट्स जो होती है ना वो बेकिंग की जान होते हैं, अगर आप बेकिंग में मेजरमेंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे ना आपकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो ये जो बाकी का बकाया था क्रीम चीज़, सॉरी नॉट क्रीम चीज़, क्रीम जो थी ना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूंगी, ठीक है। तो ये जो स्टैंड मिक्सर है ना इसमें मुझे बड़ा फायदा हो जाता है, बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है, इसमें आपको मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती। अच्छा जी, अब जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो है अंडे। अंडे पहले तोड़ के आप निकाल के देख लें कि सही है, क्योंकि आजकल गर्मी हो गई है ना तो अंडे ख़राब होने का खतरा होता है। तो डायरेक्टली जो है ना आपने नहीं फेंट निकाल के इसमें डाल देने, आपने प्याले में तोड़ के चेक कर लें और उसके बाद जो है ना इसमें दो अंडे डाल दें। ऐसे फ्रिज में पड़े हुए अंडे खराब तो नहीं होते, लेकिन यू नेवर नो कि शॉप में कितने दिन के पड़े हुए। मैं दो अंडे मैंने इसमें डाले और इसको भी मैंने अच्छी तरह से दोबारा से ब्लेंड कर लिया। चीज़ केक ये है कि लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट चीज़ होगी, लेकिन वो ड्यूरेशन बहुत होता है उसके बेकिंग और रेस्ट का, तो इस वजह से लोगों को लगता है। अच्छा, इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर शामिल किया तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, वो इसको एक फर्मनेस देता है इसकी जो जब हम इसको बेक कर रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस डालना है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, क्योंकि वनीला इसमें ज़्यादा जाता है। वो डाल लेने के बाद इसके बाद इसमें मैंने जो है ना मैं डालूंगी लेमन जूस। इसको पहले मैं इस तरह से मिक्स करूंगी। ये जो स्टैंड मिक्सर होता है ना, क्योंकि ये बड़े साइज़ का होता है, तो नीचे के लिए आप एक काम करेंगे, जब भी इसमें बेकिंग कर रहे होते हैं ना, या इसको मैं फेंक नॉट बेकिंग फेंट रहे होते हैं या बना रहे हो कोई चीज़ आटा गूंद रहे, तो इसके किनारों ना स्क्रेप कर लिया करें ताकि सही रहे। अच्छा जी, अब मैंने इसमें लेमन जूस डाला है तकरीबन आप कह सकते हैं 1.5 टेबल स्पून। पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला, तब मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें जो है लेमन जूस डाल दिया। ये जो चीज़ केक है दिस इज न्यूयॉर्क स्टाइल का चीज़ केक, एंड नॉर्मली अगर आप बाजार में आप इस चीज़ को चीज़ केक को लेते हैं तो ये एक केक आपको 4 से 5 हज़ार रुपये बल्कि इससे भी कम समटाइम्स एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि इसका एक स्लाइस जो है ना ये होता है 700-800-900 इस तरह का। तो अब मैंने की चीज़ केक, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मैंने इसको फॉइल लगाया था ना सिर्फ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा स्टीम में बेक होता है, तो ये मैंने केक रख दिया अपने ओवन में 180 डिग्री पे, और इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया ताकि ये जो है ना ये स्टीम में, क्योंकि इसके अंदर फिर क्रैक नहीं बनेगी। और मैंने इसको 30 मिनट 180 डिग्री पे बेक किया है, एंड उसके बाद इसकी हीट जो है मैंने रिड्यूस कर दी 150 डिग्री पे कर दिया, और 30 मिनट यानी पूरा 1 घंटा इसको बेक किया। उसके बाद मैंने इसको 6 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये ओवरनाइट के बाद की मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ जी। केक हमारा बन के हो गया था रेडी, इसको फौरन अगर आप काटेंगे तो वैसा रिजल्ट नहीं देगा। ये 6 घंटे 7 घंटे फ्रिज में रहने के बाद या ओवरनाइट रहने के बाद ही ये केक जो है ना ये बेस्ट रिजल्ट देता है। बिलीव मी, इट वॉज वेरी यमी, इट वॉज जस्ट लाइक जो आपको बाजार में मिलता है वो बगैर बेकिंग के होता है, और वो भी मुझे बनाना आता है, वो भी मैं बनाती रही हूँ, बहुत बनाती रही हूँ। इवन मैं जब जॉब करती थी क्वेटा में क्रीम चीज़ बहुत सस्ती मिलती है, क्वेटा है भाई, वहाँ पर ईरानी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है, तो मैं वहाँ पर ये हमेशा ऑन एंड ऑफ बगैर बेक किए हुए बनाती थी डिश में। तो अगर आपको ईरानी चीज़ मिलती है ना दैट इज़ बेस्ट। ये तो मैं खैर लेकर आई थी डीन्स की, ये वो क्रीम चीज़ है, ज़्यादा क्वान्टिटी में ले आई थी 2 किलो के, तब मुझे तो आखिर में मैं क्रीम चीज़ का केक ज़रूर बनाऊँगी। तो केक जो है ना ये वाला मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग क्रीम चीज़ केक के शौकीन है ना, तो चीज़ केक बेस्ट रेसिपी है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। दिस इज़ गुड फॉर योर गेस्ट, गुड फॉर योर सेल्फ। मैंने तो खैर घर के लिए बनाया था, मेरे बच्चों ने बड़े शौक से खाया, और बिलीव मी ये तकरीबन 2 दिन चल जाता है, 2 दिन के बाद ये बचता ही नहीं है। तो खैर ये है इसकी फाइनल लुक, होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। एंड बिलीव मी इट्स अ हैवी केक, तो ये आप एक स्लाइस खाने के बाद ना अब यू नीड अ पॉज ऑफ 24 आवर्स। हाँ जी, सॉरी फ़ैन ऑन है तो आप लोगों को होप मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली इतनी गर्मी है ना, मैं इसको ऑफ कर दूँ ना तो मेरे मुझसे बात ही फिर नहीं होती। तो आप लोगों में से ना बहुत से लोग मेरे एक ड्रेस का बहुत इंतज़ार करते हैं। आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई, मैं आप लोगों को मीन्स पहले नहीं दिखा पाई, लेकिन यह है कि आप लोगों को इस सूट की डिज़ाइनिंग तो चाहिए थी, डिटेल्स भी चाहिए थी। ये सूट मैंने आप लोग से शेयर किया था, ये येलो वाला, ठीक है, ये येलो वाला ड्रेस जो है मैंने खरीदा था, एक ब्रांड है, ब्रांड मतलब ये फेस इंस्टाग्राम पे एक पेज था ग्रेस स्टोर के नाम से, और इस पे ये सारा जो है ना बरीजे का कॉपी है, ठीक है, इट्स नॉट ओरिजिनल बरीजा, इट्स बरीजाज कॉपी। एंड इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 4500 की मुझे पड़ी है 3 पीस, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ इसका अनबॉक्सिंग भी किया था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था,
और फिर बस देर वर सो मेनी रीजंस, मैं बिल्कुल भूल जाती थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस सूट की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इसमें एक डिफेक्ट था, वो भी बताऊंगी कि क्या डिफेक्ट था और फिर उसको कोप कैसे किया। सो पहले मैं आपके साथ इसकी शर्ट को दिखाऊंगी कि इसकी शर्ट किस तरह की है। अच्छा जी, शर्ट जो है, दिस इज़ द शर्ट। और अभी मैंने ये अपना एक वीडियो बनानी है, इसमें पहनना भी है, तो मुझे तो फिर मुझे याद आ जाएगा कि मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, तो अभी कर दूँ तो बेहतर है। तो ये मैंने इसका सिंपल गला बनाया था। ज़रूरी नहीं है आप हर दफ़ा जो है वो वी या किसी और तरह के गले या मोती वगैरह लगाए। यू कैन डू एनी थिंग विद योर ड्रेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल राउंड नेक है और यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो बीच में वी बना हुआ है और फिर ये पट्टी गई है, ठीक है। और ब्लू कलर, क्योंकि इसमें ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट है, ये मस्टर्ड एंड ब्लू कलर का सूट है, तो ये ब्लू कलर की एक लाइन नीचे तक गई हुई है, ठीक है। तो ये ड्रेस जो है फुली, जो फ्रंट है ना, फ्रंट इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। कपड़ा इसका लॉन है, नॉट बैड। अगर 4,500 देखा जाए ना, तो ये बुरा सूट नहीं है। उस वक्त मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था इसके स्लीव्स का कपड़ा सही नहीं है, थोड़ा है, ये डिफेक्ट था इसमें। लेकिन मेरे टेलर ने जो है इसमें पीछे की तरफ जो है ना, ये एक पीस डाला है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये पीछे एक जोड़ आया हुआ है इसमें। तो उसने ये इसके स्लीव्स का कपड़ा जो है ना, पीछे क्या आगे भी आया हुआ है, तो उसने ये स्लीव्स मेरे सी दिए हैं। और सीरियसली बहुत अच्छे सी हैं। अगर आप ये सूट मंगवाते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है अभी सूट से, क्योंकि ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, ये कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, मस्टर्ड कलर इज समथिंग माई फेवरेट। इसके साथ मैंने मैचिंग जूते लिए हैं और इंशाल्लाह ताला मेरी स्किन केयर की वीडियो देखेंगे तो वो मैंने पहने हुए होंगे। अच्छा, और मैं इसके अलावा बताऊँ, ये सूट मैं पहन के गई थी गीगा मॉल एंड मुझे 3 औरतों ने डिफरेंट टाइमिंग्स में आके कही, और ड्रेस इज लुकिंग वेरी नाइस बिकॉज एवरीथिंग वॉज मैचिंग, माई बैग वॉज मैचिंग, और ये ड्रेस बहुत प्यारा लगता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी विद द ड्रेस। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक ये लेस लगाई है, और ये लेस आप देख सकते हैं इस सितारों वाली है, ठीक है। इसमें मैंने कोई मोती नहीं लगाया, ठीक है। इसमें लेसेस और इसका डिजाइन इससे बनाया था। गला हो गया, स्लीव्स का जो डिफेक्ट था वो मैंने आपको बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ से ये बिल्कुल प्लेन लग रहा है। इतना ये खूबसूरत लगता है ना पहनने में, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग शर्ट बनाया। अच्छा, दाम इसका बैक जो है ना बिल्कुल प्लेन है, ये आप देख सकते हैं इसकी बैक बिल्कुल प्लेन है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी दामन। इसके दामन का ये था कि मुझे था इसके साथ में चौड़ी लेस लगाऊंगी। अगर आपकी शर्ट जो है ना वो लेंथ में थोड़ी छोटी है, तो आपने काम करना है उसको उसके साथ ना आप चौड़ी लेस लगा लें। इतनी 2 इंच की 3 इंच की लेसेस मिलती हैं, और आपको बिल्कुल आराम से वाइट कलर की लेसेस मिल सकती है, आप उसको डाई करा लें, ठीक है। जब डाई कराते हैं ना, तो डाई थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये देखें, ये वाइट कलर की मैंने लेस ली, ये आपको इसका दामन नजर आ रहा, और वाइट कलर की लेस मैंने इसके साथ डाई करा ली थी। डाई आप बिलीव करें, मैं कामरान मार्केट से डाई कराती हूँ। एक शॉप वाले ने मुझसे इसके डाई करने के लिए आई थिंक 300 रुपये, सिर्फ ये लेस है जो आगे पीछे लगी, बस 300 रुपये लिए। हत्ता कि मैंने ट्राउजर डाई कराई, दुपट्टा कराया, वो इतने पैसों में हो जाता है, बट इन्होंने सिर्फ एक जो है वो लेस मुझसे 300 ली। आगे जो शॉप पे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कहा 600 रुपये लेंगे लेस डाई करने के, दे काउंट अलॉट, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये 300 रुपये का डाई हुआ था। लेस शायद मैंने आई थिंक लेस 500 रुपये की ली थी, और डाई होने के बाद ये 800 रुपये का पड़ गया था। उसके बाद जो है इसके साथ इंटरफेसिंग जो है ना, ये मेरे टेलर ने ही लगाई है, बिल्कुल मैचिंग, आप खुद नजर आ रहा होगा, बिल्कुल मैचिंग, जैसे लेस है ये एम्ब्रॉयडरी, उसी तरह की डार्क ब्लू कलर की इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग से ना आपके कपड़ों में फिनिशिंग आती है, बात याद रखिएगा, फिनिशिंग आती है। सो इट लुक सो नाइस, इतना ये डिसेंट सूट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हाउ मच आई लव दिस। और मैं सोच रही हूँ मैं 2-4 और भी मंगवा लूंगी। अच्छा जी, इसके दामन पे और स्लीव्स पे एक ही कलर की मैंने लेस लगाई है, आपको ये नजर आ रहा होगा, ब्लू डार्क नेवी ब्लू कलर की लेस है, और नीचे इंटरफेसिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, इसका बैक जो है मैंने आपको बताया बिल्कुल प्लेन है, उसमें भी मैंने लेस लगाई। क्यों? क्योंकि जब आपका कपड़ा, आपको लगता है ना कि इतनी लंबी कमीज नहीं बना सकते, इसको मैं यहाँ फिलहाल रखती हूँ क्योंकि मैंने अभी पहनना है, तो आप सिंपली डू वन थिंग, आप उसके साथ जो है ना लेस मैचिंग करके, अगर आपको मैचिंग लेस मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। एक आई एम सॉरी, मैं वो पंखा लगा हुआ था ना, तो वो इस तरफ आ रहा था, तो मुझे था कि मैं सही करके रखूँ क्योंकि अभी मैंने इसको पहनना है। अच्छा जी, तो अगर आपको मैचिंग लेस मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, और इन केस आपको मैचिंग लेस नहीं मिलती है, तो आपने सिंपल आपने लेस लेके उसको डाई करा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टे के लिए मैंने ये शटल लेस ली है, और ये मैंने वहां पर कामरान मार्केट में ही आपको ये लेसेस लगा देते हैं।
लेस के साथ नीचे इंटरफेसिंग भी करा देते हैं, ठीक है। दे चार्ज अलॉट, बट ये कि आपका दुपट्टा ना बड़ा डिसेंट हो जाता है, हैवी हो जाता है, मतलब हैवी इन अ सेंस इस तरह हो जाता है कि उससे भी सिंपल अगर आप एक दुपट्टे को पीको करा लेंगे ना, तो उससे ये दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है। अब ये देखिए यहाँ सामने से इसकी लुक इस तरह आती है कि इसके ऊपर सारी लेस लगी हुई है, स्टारों वाली नहीं है, शटर लेस है, और उसके बाद यहाँ पर इसके इंटरफेसिंग करवा दी, ठीक है, लेस एंड इंटरफेसिंग बोथ। अच्छा, मैं चाह रही थी इधर ठसल लगाना, लेकिन मैंने ठसल नहीं लगवाए, और ये आप देख सकते हैं इसकी जो दुपट्टा है ना, इसके ऊपर वैसी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बट ये छटा डला हुआ है, एक बड़ा फूल है और एक छोटा फूल है। मैं दोबारा बता दूं, दिस इज नॉट बरीजा, दिस इज बरीजाज कॉपी। आई डोंट नो ये ड्रेस अभी अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन आप इसी तरह का डिजाइन अपने किसी भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के साथ बना सकते हैं। दुपट्टे का याद रखिए, इफ यू आर लाइक अबव 30, गो फॉर दिस दुपट्टा, क्योंकि इट लुक्स नाइस, सीरियसली इट लुक्स वेरी डिसेंट। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी ट्राउजर की तरफ। ट्राउजर वो सेम मस्टर्ड कलर। एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये बात उसे मैंने अपनी अम्मी से भी बताई थी, कि अम्मी को भी मैं बताई थी कि जब आपका सूट एक ही कलर का होता है ना, लाइक शर्ट भी उसी कलर की है, दुपट्टा भी उसी कलर की है, एंड ट्राउजर भी उसी कलर की है, तो आपकी ना एक स्लीक लुक आती है, आप पतले लगते हो उन कपड़ों में। अगर आपको याद हो मेरा ग्रीन सूट है, उसमें मुझे खुद अपना आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है, मैं पतली बिल्कुल भी नहीं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, बंदा क्यों झूठ बोले, मैं बिल्कुल पतली नहीं हूँ, आप लोग को नजर भी आती हूँ मैं बिल्कुल पतली नहीं हूँ, बट ये कि उसमें मुझे खुद फील होता है, क्योंकि एक तो उसकी डिजाइनिंग बड़ी अच्छी हुई है इसकी भी, मैं अभी आगे मैं सोच रही थी कि मैं उसी तरह के थोड़े से बनाऊंगी, और दूसरा ये कि कलर एक ही है, कलर एक में ना आप ऊपर से नीचे तक थोड़े पतले लगते हो। ट्राउजर इसकी वही कलर की है, कपड़ा इज लॉन, वेरी गुड क्वालिटी, मीन्स आई थिंक ये कॉटन है, वैसे ये जो शर्ट का है चेंज नहीं है, ये ट्राउजर का वही कपड़ा है। तो ये है कि इसकी ट्राउजर की मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपको वो डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, इसमें नीचे मैंने पेंटेक्स डलवा लिए थे, और ऊपर समोसा जो होता है ना, जो आप टेलर को समझाते हो कि ऊपर समोसा लगा दे, वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं तस्वीरें भेज देती हूँ टेलर को, तो मेरा टेलर बना देता है। अब ये देखिए, ये इसका डिज़ाइन है, एंड सीरियसली द ड्रेस इज वेरी ब्यूटिफुल, इट लुक्स सो नाइस। और अभी तो ये कि मैंने आप लोगों के साथ इस सूट को जो है डिज़ाइन होप मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, अभी मैं इस वीडियो की एडिटिंग करके इसको चढ़ा दूंगी, और जब मैं अपना दूसरा जो वीडियो बनाऊंगी मेरी स्किन केयर वाली, इंशाल्लाह ताला उसके साथ मैं इसका लुक भी दिखा दूंगी, तो कल की वीडियो में आप इसका लुक भी देख लेंगे। बट मैं बिलीव मी, इट लुक सो नाइस व्हेन यू आर वेयरिंग इट, स्पेशली जब आपकी एक्सेसरीज साथ में मैचिंग होती है, अगर आपने कोई बैंगल ब्लू कलर का पहना है, इयररिंग पहने हैं, या आपने साथ में शूज या सैंडल्स इसी के मैचिंग पहने हैं, इसकी तरह का बैग लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास का बैग भी इसी तरह का है, मेरे पास मैंने जूते भी इसी तरह के लिए थे, एंड सीरियसली ये ईद के मेरे जो जितने कपड़े थे छोटी ईद के, उसमें ये मेरा सबसे फेवरेट था, वो इसलिए, एक तो जो मैंने उस दिन पहना था लाइक जो सना सफीनास का सिल्क वाला था, उसमें ये था कि उसमें भी आपकी फिजिक बहुत अच्छी लगती है, और इसमें ना ये आप, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट यू लुक नाइस, सीरियसली यू लुक नाइस। तो होप आज जो व्लॉग है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो है ना आप उससे रिलेट कर सके, और अगर आपने कोई कपड़े लेने हैं, कोई चीज़ खरीदनी है, तो आप इन जो छोटी छोटी टिप्स हैं जो विच आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, स्पेशली आई एम लाइक वेरी मच इनटू क्लोथ्स, मैं बहुत कपड़े, अभी भी मैंने आज जाके टेलर से चार जोड़े लेकर आने और अपने और बेटी के कपड़े देने हैं, और एक और जोड़े का मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, जिसका मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ, सीरियसली जब वो आएगा, आने में कुछ दिन लगाएगा, क्योंकि वो आते ही आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन मैंने ढूंढ लिया उससे दूसरी वेबसाइट पे, तो वो ये है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आएगा, और वो ईद के लिए मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी। तो ये कि मैं आई एम वेरी मच इनटू क्लोथ्स, तो ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो ना इस किसी भी फील्ड में, तब आपकी टिप्स जो होती है ना बड़ी कारामद होती है, तो आप लोगों को होप ये सारी टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों को कारामद लगती होंगी। तो खैर ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, तो सी यू इंशाल्लाह ताला, बस मैं वाइंड अप करती हूँ, मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ, फिर मैंने बनाना है व्लॉग, सो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।